नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका छोटी किचन में। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट पानी पूरी, जिसे आप जब भी चाहो फटाफट बना सकते हो। इसमें पूरी का नहीं फूलने का भी कोई टेंशन नहीं, और घर में बनाने के कारण मार्केट की अपेक्षा हाइजेनिक भी होती है। पानी पूरी को गुपचुप और गोलगप्पे के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बना लेंगे हम पूरी के लिए फिलिंग। फिलिंग के लिए मैंने बनाया है आलू मसाला, और आलू मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 6 उबला हुआ आलू। इसे रफली मैश कर लेंगे। आलू को मैश करने के बाद इसे थोड़ा भुनने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा लेंगे, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे तड़का। तड़का के लिए मैंने जीरा और सरसों डाला है, और थोड़ा सा करी पत्ता, और साथ ही डाल दिया है थोड़ा सा मूंगफली। और आप चाहो तो इसमें कुछ सब्जियां भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा कैप्सिकम, बीन्स और थोड़ा मटर भी डाला है। इसके साथ थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और सूखा मसाला में हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और चाट मसाला डाला है। इसके साथ नमक भी डाला है, और इन सबको थोड़ा सा मिलाकर 2 मिनट के लिए भून लेंगे। वैसे इस आलू मसाले का पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में जो आलू चाप का रेसिपी आएगा उसमें देख सकते हैं, क्योंकि इसी मसाले से मैंने आलू चाप बनाया है। और इसके अलावा डोसा, समोसा, मिर्च पकौड़ा में भी इसी आलू मसाले का यूज़ कर सकते हैं। सभी को 2 मिनट भूनने के बाद मैश किया हुआ आलू डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर को मैंने लास्ट में डाला है, और सभी को अच्छे से मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे। पानी पूरी का फिलिंग तैयार है, और अब पूरी को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए गैस पर कढ़ाई चढ़ा लिया है, और तलने के लिए इसमें डाल देंगे तेल। तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल मीडियम गरम हो जाए तो इसमें 3-4 पूरी डालकर चेक कर लेंगे। यदि पूरी 30 से 40 सेकेंड में फूल जाती है तो तेल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, तो बाकी का पूरी भी तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। ये जो पूरी है राशन के दुकान में बहुत ही इजीली मिल जाती है। ये इंस्टेंट पूरी होती है, और सिर्फ 40 रुपये में आपको पूरे 110 पीस पूरी मिल जाएगी। इसी पूरी को हम मार्केट में खाते हैं तो 40 रुपए में हमें सिर्फ 20 पानी पूरी मिलती है। और अब बाकी का पूरी भी तेल में डाल देते हैं। पूरी को फ्राई करते टाइम ध्यान रखिएगा, जैसे ही पूरी को तेल में डालेंगे चम्मच से पूरी के ऊपर तेल को छिड़कते जाएंगे, और गोल गोल घुमाते हुए पूरी को फ्राई कर लेंगे। पूरी के चारों तरफ तेल अच्छे से पड़ना चाहिए, तभी हमारा पूरी सभी तरफ से अच्छे से क्रंची बनेगा और परफेक्ट पूरी बनकर तैयार होगा। पूरी हमारा बढ़िया गोल्डन और बहुत ही क्रंची बनकर तैयार है। इसे तार वाले झारे से फटाफट निकाल लीजिए, नहीं तो पूरी हमारी जल सकती है। पूरी को फ्राई होने में टोटल 2 मिनट का समय लगता है, और अब जितना भी पानी पूरी आपको बनाना है सेम प्रोसीजर से बना लीजिए। और अब इसके बाद बना लेंगे पानी पूरी के लिए इमली पानी। तो इमली पानी बनाने के लिए मैंने लिया है साबुत इमली। इसे 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख लिया था। आप चाहो तो इमली का पल्प भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है पानी और एक खाली बर्तन। इमली में पानी डालकर हाथों से अच्छे से मैश कर लेती हूँ, और छन्नी से इसे छान लूँगी। पानी की मात्रा अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 40 पूरी के लिए 2.5 गिलास पानी लिया है। 1.5 गिलास पानी में मैंने इमली को मैश किया था। 1 गिलास पानी और डाल दूंगी, और इसी में डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर। यदि तीखा पसंद हो तो मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, इसकी जगह हरा धनिया और पुदीने को भी पीसकर डाल सकते हैं। और अब डालेंगे इसमें काला नमक, और इसी से इमली पानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने 1 टीस्पून काला नमक डाला है, और लास्ट में डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला। सभी को अच्छे से मिला लेंगे, और इमली पानी को एक बार चख के देख लेंगे
इमली नमक वगैरह कम हो तो और डाल ले, और यदि ज़्यादा हो गया हो तो इसमें थोड़ा पानी डाल ले। और ये हमारा परफेक्ट इमली पानी बनकर तैयार है। और ये हो गई हमारी सारी तैयारी। इसके बाद पूरी इमली और आलू मसाला को एक जगह रख लेंगे। एक पूरी को हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ के अंगूठे से दबाकर फोड़ लेंगे और आलू मसाला को इसमें फिल करके प्लेट में रखते जाएंगे। पूरी में मसाला डालकर ज़्यादा देर नहीं रखना है, इससे पूरी सॉफ्ट हो जाएगी और खाने में कुरकुरापन नहीं होगा। तो जब भी खाना होगा तभी पूरी में मसाला भरिए और इमली पानी में डुबाकर एंजॉय करिए। तो आशा करती हूँ इमली पानी देखकर मुंह में पानी जरूर आया होगा। यदि हाँ तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके छोटी इस किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें।